यहाँ पर बनाई है बच्चों के लिए मैगी, और अभी बच्चों को दे देती हूँ नाश्ते के लिए, और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है, टेस्टी लग रही है। टोमेटो ऐड नहीं किया है मैंने इसमें, वेजेज ऐड करने थे वो भी नहीं किया, जल्दी जल्दी बनाई इस वजह से सिर्फ प्याज ऐड करके बनाई है। तो गाइस जो भी मैंने अमेजोन हॉल में आपको दिखाया है वो सारे कंटेनर्स क्लीन कर रही हूँ, और ग्लास के है तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है ग्लास के कंटेनर्स क्लीन करने में। एक्चुअली ये थोड़े से संभाल के क्लीन करने पड़ते हैं। देखो ये सारी बॉटल है, ये जो बॉटल आपने देखी ऑयल की बॉटल है, और उसके बाद ये चटनी वटनी की, ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब ऑयल घी के कंटेनर्स, ये सारे वॉश करके रख दिए हैं। एक्चुअली गाइज आज से मुझे डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है किचन की, मतलब ऊपर ऊपर का तो पूरा क्लीन हो ही गया है, बस अंदर से पूरा डीप क्लीन करना है मुझे किचन, और उसके बाद मुझे अच्छे से सजाना है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, और मतलब ऑर्गेनाइज मीन्स कि जो चीज़ जहाँ पर जब चाहिए तब मिल जाए। और यहाँ पर ये मेरा भाई है जिसके लिए मैं पोहा बना रही हूँ, वो बताना ही भूल गई आपको, मासी का बेटा आया था उसके लिए ही पोहा बना रही थी, उसे भूख लगी थी तो मैंने बोला चलो पोहा बना देती हूँ, और उसे देसी आइटम पसंद है, उसे फैंसी आइटम नहीं पसंद, तो इसी वजह से उसको पोहा चाहिए था, तो मैंने बोला चलो पोहा बना देते हैं और उसके बाद वो खा लेगा। उसके बाद रात से हम लोग डीप क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली उससे बातें भी कर रही थी और उसके साथ साथ पोहा भी बना रही थी, तो उसका फ्रेंड और वो आया था, और यहाँ पर देखो मेरा पोहा बन चुका है, वो लोग खा भी रहे हैं, अद्विक भी उनके साथ खा रहा है। शर्ट वाला मेरी मासी का बेटा है और वो उसका फ्रेंड है, तो ये दोनों साथ में आए थे तो इसी वजह से उनके लिए। तो गाइज अभी अभी भाई चला गया है और उसके बाद मैं करने वाली हूँ अपने काम सारे, तो यहाँ पर बाकी की क्लीनिंग बची है, सारा काम बाकी है तो वो सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली यहाँ पर सुबह से काम चल रहा था ना, तो थोड़ा 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 मेस लग रहा था, तो इसी वजह से सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। एक बार गैस स्लैब क्लीन हो जाता है ना तो फिर अच्छे से सेट दिखता है सब कुछ, बट जब तक गैस स्लैब क्लीन नहीं होता है ना तब तक ऐसा लगता है कि नहीं मेस ही है। एक्चुअली अभी मैंने बनाई है साबुदाने की खीर, और साबुदाने की खीर किससे बनाई है वो बता देती हूँ। ये जो रसगुल्ले की चाशनी बची थी उससे मतलब चीनी के बदले वो डाल दी, और उसके बाद उस दिन का जो साबुदाना बचा था वो साबुदाना डाल दिया, और ये देखो दूध थोड़ा सा, तो बस इसी की खीर बना रही हूँ अभी, साबुदाने की खीर। तो चलिए अभी बना लेती हूँ ये। यहाँ पर सारी फ्रिज में से चीजें माही ने निकाल दी है, और जो जो पैकेट थे वो कंटेनर में रख रही है, तो ये काम मैंने आज माही को दे दिया है करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था आज, वो तो आपको दिखाई दिया होगा जो अमेजोन हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें, तो ये सारी चीजें अभी माही कर रही है क्लीन। एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गया है पूरे के पूरे, बादाम ही बचे हैं बस, क्योंकि बादाम ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो बस बादाम कूट के डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स लाने हैं वो सारे कंटेनर्स में भर के रखने हैं, तो ये सब कुछ करना है, बट बादाम थे तो अभी बादाम कूट के डाल दिए मैंने खीर में, और खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपने नहीं बनाई तो बना के देखना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले मैंने दूध उबाल लिया, उसके बाद मैंने उसमें साबुदाना डाल दिया भिगोया हुआ, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, और चीनी के बदले वो डाल दिया चाशनी डाल दी थी, और उसके बाद थोड़ी देर आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको जब वो ट्रांसपेरेंट जैसा दिख जाए ना साबुदाना, तब समझ जाना कि ये उबल गया है, और ये सब कुछ मतलब रेडी हो गई है खीर, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और आप देखो उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल सकते हो, और आप अभी देखो कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, और खाने में भी सच में यम्मी बनी थी। तो यहाँ पर बस सर्व कर दूँगी, सबको दे दूँगी, और उसके बाद अपने कामों में लग जाऊँगी। तो आप देखो खाना खाने के बाद और सब कुछ हो जाने के बाद कुछ इस तरह से मेरे किचन की हालत हो गई है। सब कुछ निकाल दिया है मैंने, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो पूरा अंदर का निकाल दिया है, और इतना ज़्यादा मेस लग रहा था ना कि क्या करूँ और कहाँ से शुरुआत करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगाने हैं मैट्स, ये जो एंटी स्किड मैट्स मैंने परचेस किए हैं अमेजोन से, मैंने आपको हॉल में दिखाया भी है, तो ये लगाने हैं, तो उसमें मेरी हेल्प कर रहा है ये, एक अकेले से तो हो ही नहीं पाता ये, तो ये मैट्स लगाने में मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि नाप नाप के वो काट के अच्छे से वो लगाना होता है। हम दोनों मिलकर लगा देंगे, और उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ चाहिए वो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, क्योंकि मुझे आपके लिए जल्दी से किचन टूर लाना है। एक्चुअली आप लोग बोल रहे हो कि ये नया वाला जो किचन बनाया है उसका किचन टूर दो जल्दी से, तो इसी वजह से मैं भी सोच रही हूँ कि यार दे दूँ, आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, बहुत से लोगों के कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उनको हेल्प मिल जाएगी, अगर किचन बन गया है तो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिल जाएगी, तो इस तरह से मैं अभी करने वाली हूँ, और जल्दी से आपके लिए टूर आने वाला है किचन टूर, तो उसका वेट करना।
थोड़ी देर लग सकती है, बट आपको तो पता ही है अभी फर्नीचर का काम चलता है तो कितनी बारीक धूल बैठ जाती है सारी चीज़ों पे, तो वो सारा मुझे क्लीन करना है, ऐसे में रहा नहीं जाता है यार। तो इसी वजह से सब कुछ क्लीन करना है, सब कुछ क्लीन करके अच्छे से सेट करना है, नहीं तो आँखों के सामने धूल दिखती है ना तो नज़र बार बार उसी पर जाती है और हमारा काम कोई भी अच्छे से नहीं होता है। तो इसी वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि एक बार क्लीन करके छोड़ दूँ, अच्छे से मन भी लगा रहेगा घर में और सब कुछ ऑर्गेनाइज और क्लीन लगेगा। और ये है नेक्स्ट डे का, उस दिन तो मैं शूट नहीं कर पाई, रात को तो एंड भी नहीं कर पाई वीडियो को और बाकी का शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैंने जो भी करना था वो क्लीन कर लिया और उसके बाद मैंने शूट करना बंद कर दिया क्योंकि पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे। बस यहाँ पर ये अद्विक के साथ खेल रहा है, उसके बाद अब मैं करूँगी अपनी दिया बत्ती, शाम का टाइम है, दिया बत्ती करनी है और उसके बाद और कामों में लग जाना है क्योंकि बाकी के काम भी पड़े हैं और मतलब पूरा क्लीन करना है। क्लीनिंग में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है यार कि आपको क्या ही बताओ, और अकेले ही क्लीन करना पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रही है मुझे इस बार तो इनकी, क्योंकि इनकी ड्यूटी ही इतनी ज़्यादा आ रही है कि क्या ही बताऊँ आपको। इतनी ज़्यादा मैं ही परेशान हो गई हूँ कि अभी इनकी ड्यूटी आनी थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं तो इनको बोल रही हूँ कि आप छुट्टी ले लो 2-4 दिन की और मेरी हेल्प करो, बट छुट्टी भी नहीं मिल रही है बोल रहा है, तो इसी वजह से छुट्टी भी नहीं ले पा रहा है और मेरी हेल्प भी नहीं कर पा रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी कर रहा है वो जितना उनसे हो रहा है उतनी, बट जो डीप क्लीनिंग होती है या कुछ भी होता है तो वो तो मुझे ही करना पड़ता है, तो इसी वजह से वो सब कुछ हो रहा है। और माँ ही थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे रही है, जैसे कि माही ने अभी वो सारे कंटेनर्स क्लीन करने में, मतलब निकालने में और अच्छे से सेट करने में हेल्प की। और आज तो फ्रिज डीप क्लीनिंग भी हो गई, मतलब फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग बाकी है बट फ्रिज डीप क्लीनिंग हो गई मेरी। यहाँ पर एक पार्सल आ गया था, सुबह से पड़ा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ओपन करती हूँ, अच्छा नहीं आएगा तो रिटर्न के लिए भी रिक्वेस्ट डालनी होती है, तो इसी वजह से देखना पड़ता है जब भी पार्सल आता है, ऐसे ही नहीं रख सकते, तो मैंने ये देखा तो ये हैंगर आए हुए थे तो अच्छे थे इसी वजह से रख लिए। तो यहाँ पर एग्स बॉइल करने के लिए डाल दिया है, आज बनने वाली है एक करी। देखो ये एक फ्राई कर रहा है और इसमें ना मैं पहले लगा देती हूँ, अभी ये क्या कर रहा है, ऑयल में ही सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, मतलब सारे मसाले है ना, नून मसाले कौन से, हल्दी और मिर्च, हल्दी और मिर्च पाउडर ऑयल में ही डाल दिया और उसके बाद ये एग्स फ्राई कर रहा है, उसको कलर भी आएगा और मतलब दिखने में भी अच्छे दिखेंगे और टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर करी बन के रेडी है, ठसका वाला मला, चिमनी तो आना है फिर भी, और ना किचन क्लीन करते करते 2 दिन लग गए, अब जाके किचन क्लीन हुई है, फिर भी मेरे मतलब जैसे मुझे चाहिए थी वैसे ऑर्गेनाइज नहीं हुई है अभी तक। यहाँ का जो कचरा है वो निकालना है, यहाँ पे मेस है थोड़ा सा वो निकालना है, बस यहाँ का ही मेस बाकी है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो वो क्लीन करूँगी। फिर पहले क्वार्टर टॉप ऑर्गेनाइजिंग वीडियो आएगा, उसके बाद पूरा किचन टूर आएगा, ऑर्गेनाइज किचन टूर, तो उसके लिए वेट करना, काफ़ी लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो बस जल्दी ये आएगा आपके लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरी तबीयत मतलब हाथ पैर साथ नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा दर्द कर रहा है, इतनी ज़्यादा दर्द कर रहा है पूरे काम और ये क्लीनिंग 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 में, मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि काम जब बहुत ज़्यादा होता है ना तो उस टाइम शूट बिल्कुल नहीं हो पाता है, थोड़ा 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 शूट ले गई हूँ और उसमें भी याद नहीं रह रहा है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। और ये ब्लॉग 2 दिन से चल रहा है, अभी पहली बार हुआ है कि 2 दिन से मेरा ब्लॉग चल ही रहा है। चलिए अभी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बस यहाँ पर पापड़ भून रही हूँ, हमें डिनर करना है तो इसीलिए। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े कल के वीडियो पे, जो मेरा थर्ड हॉल है, जो अमेजोन हॉल है किचन आइटम वाला, जब मैंने रात को सोते टाइम वो कमेंट्स पढ़े तो इतने निगेटिव कमेंट्स हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं अपने घर के लिए, किचन के लिए, तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? अरे यार, सबका अलग अलग ड्रीम होता है, वो ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जी तोड़ करके मेहनत करते हैं, तो उसी ड्रीम को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे पसंद है ऑर्गेनाइज घर, मुझे पसंद है क्लीन घर, मुझे पसंद है बड़ा सा अच्छा सा घर, और इसी वजह से मैं वो मेहनत कर रही हूँ। और हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी, अरे यार आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो सकती है बट मेरे लिए दिल को तसल्ली मिल जाती है मुझे, जब मैं अपने किचन में आती हूँ और जब मैं अच्छे से वो किचन देखती हूँ या अच्छे से ऑर्गेनाइज किचन देखती हूँ, सब कुछ आगे मिल जाता है मुझे, तो मुझे दिल को तसल्ली मिल जाती है मेरे। और अच्छे अच्छे चीज़ें रखना, अच्छे अच्छे घर को सजाना, और सबका ड्रीम अलग अलग होता है, किसी को बहुत सारे पैसे सेव करना ड्रीम है किसी का, तो किसी का ड्रीम
मेरे जैसे अच्छे घर में रहना और अच्छी अच्छी चीजें लेना, अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइज करना, वो ड्रीम होता है। हर किसी का ड्रीम अलग अलग होता है। तो मेरा ड्रीम ये है, आप लोग बोलते हो ना कि दी आप पैसे क्या करते हो, यूट्यूब की इनकम क्या करते हो, तो मेरी यूट्यूब की इनकम ऐसे ही जाती है डियर। मैं कुछ पैसे सेव करती हूँ सिर्फ यूट्यूब की इनकम के, बाकी के मेरे ऑर्गेनाइज करने में ही जाते हैं सारे पैसे। तो वो मेरा ड्रीम है, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांग रही हूँ या तो उनके पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रही हूँ। तो जो मुझे चाहिए वो मैं ले रही हूँ और जो मैं मुझे जैसे रहना पसंद है वैसे कर रही हूँ। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप वो थर्ड वाला जो हॉल है अमेजॉन हॉल, इससे पहले वाला वीडियो वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने सारे नेगेटिव कमेंट आए हैं। मतलब कितने सारे लोगों ने ये बोला है कि आप इतना खर्चा करते हो, आप अपने हस्बैंड के ऐसे ही पैसे उड़ा रहे हो, ये वो बहुत से नेगेटिव कमेंट्स हैं। तो वो जब मैंने रात को देखी ना, तो मैंने बोला यार मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ उसमें, मैं अपने घर के लिए ही खर्च कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो मैं अभी रिनोवेशन के बाद जो खर्च कर रही हूँ ना, मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो मेरे घर को हमेशा के लिए अच्छा रखेगी। मतलब बार बार मुझे वो चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी लाइफ टाइम रहेगी चीज़ें जो भी मैंने ली है वो। और जो मुझे ज़रूरत थी, जिसकी मुझे लगा था कि मेरे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने वो लिस्ट बना के रखी थी और वही लिस्ट को फॉलो करते हुए मैंने सारी चीज़ें मंगाई कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। उसी टाइप से मैंने वो ऑर्गेनाइज़ की है सारी चीज़ें, आपको देखने के लिए मिली जाएगी बाद में कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है और कैसे कैसे मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसके बाद आपको घर के लिए भी कुछ परचेस करने वाली हो तो आपको वो भी दिख जाएंगे। तो मैं तो यार दिखाऊंगी, मेरी जो खुशी है वो तो दिखाऊंगी, मैं अपने सारी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो तो मैं दिखाने ही वाली हूँ। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे, क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह है, इसी वजह से आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरी तरह है और उनको भी घर सजाना, घर को क्लीन रखना, घर को ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, इसी वजह से उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, इसी वजह से कि मैं अच्छे से घर को क्लीन रखती हूँ। और हाँ, किसी ने ये बोला था कि कुकिंग की 8 डिश तो आती नहीं है, शायद मैम आपने मेरे कुकिंग वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इसी वजह से आप ये बोल रहे हो। मैं खुद के ऊपर मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कुकिंग की चीज़ें आती नहीं है, कुकिंग भी आती है, क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेती हूँ, सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, भले ही मुझे पहले नहीं आता था, बट जब से शादी हुई है तब से मैं सारी एक एक चीज़ सीखी हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से परफेक्ट बनानी आती है और सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि मुझे कुकिंग में भी मैं उतनी ही एक्सपर्ट हूँ जितनी मैं क्लीनिंग में और इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। हाँ माना, जब से रिनोवेशन स्टार्ट हुआ है तब से मैंने आपके साथ डिश वगैरह शेयर नहीं की, बट मैं भी वो अच्छे अच्छे डिशेस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैस ही इतना था और इतने काम थे कि आप उस कामों में और यूट्यूब संभाल के आप अच्छे अच्छे डिशेज बना के दिखाओ मुझे, तब मानूँ मैं आपको। एक कोई टाइम होता है यार सारी चीज़ों का, अभी क्लीनिंग का टाइम है तो क्लीनिंग कर लूँ, बाद में आपको अच्छे अच्छे डिशेज बना के दिखा दूंगी। अभी सारी चीज़ें मैं परचेस करने ही वाली हूँ तो उसमें आपको अच्छे अच्छे डिशेज भी बना के दिखाई दूंगी। और आपको फिर से बता दे रही हूँ कि ये मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपने किचन के लिए या होम के लिए कर रही हूँ। तो एक बार आपको किचन अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि यार नहीं मैंने क्या किया है, तभी आप बोलोगे कि नहीं यहाँ दीदी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपका किचन अब। और वही मुझे देखना है, मतलब किचन में काम करने का मन करे, किचन अच्छा सा दिखे, किचन साफ दिखे, किचन ऑर्गेनाइज दिखे, जो चीज़ मुझे चाहिए तब मुझे वो चीज़ मिल जाए, बस यही मेरा ड्रीम है और इसे ही कम्प्लीट करने वाली हूँ अब। चलिए गाइस, ये तो काम हो गया, अभी लगाने का जो काम है वो मैं कल करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये ड्राई होने का वेट करूंगी, उसके बाद वो सब कुछ लगाऊंगी और वो भी डिसाइड करना पड़ेगा अभी इसमें क्या क्या रखना है क्या नहीं, मतलब क्या क्या जरूरत की चीजें हैं मुझे जो आगे रखनी है मुझे, तो वो सारी चीजें मैं अभी सोचने वाली हूँ और बाद में इसे लगाने वाली हूँ, अच्छे से सेट करने वाली हूँ, और वो सब कुछ आपको किचन ऑर्गेनाइजिंग वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चले फिर गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं आगे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, उसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ, इंस्टा जरूर चेक कर लेना एक बार, आपको वहां पर भी जो रील्स मैंने अपलोड किया है, अभी फिलहाल तो नहीं बना पा रही हूँ, जब मैं अपने रूटीन में आ जाऊंगी तब बना लूंगी, और तो वो भी आपको पसंद आने वाला है, वहां पर भी फॉलो कर देना। बाय, ध्यान रखना अपना।